आंख में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही मैं भी है। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. मजा आ गया है। पिछले 6 महीने से ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करते करते पक गए थे। ये आउटिंग तो बहुत जरूरी है। सीरियसली यार, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है ये ट्रिप मेरे लिए। एंड वो ऑफिस की मोनोटोनी छुट्टी, कम से कम इसकी वजह से खड़ूस बॉस का चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। 10 दिन तक नो ऑफिस, नो बॉस, नो बोरिंग बोर्ड मीटिंग्स, सिर्फ पार्टी शार्टी एंड फुल ऑन मस्ती। मेरे करण अर्जुन, ये मत भूलो कि तुम यहाँ ऑफिस के ट्रिप पर हो, तुम तो ऐसे रिलैक्स हो जैसे वेकेशन पर आए हो। अरे मेरे राजा हरीश चंद, 4 घंटे की कॉन्फ्रेंस के बाद बाकी टाइम तो हम फ्री हैं। अब तू बता, क्यों 4 घंटे की कॉन्फ्रेंस की वजह से इसको एक ऑफिशियल ट्रिप बनाएगा, या बाकी बचे हुए फ्री 20 घंटों की वजह से इसे एक वेकेशन ट्रिप बनाएगा? सही बोल रहे हो यार नितिन, मैंने तो इनफैक्ट कल के सारे दिन की प्लानिंग कर ली। वाओ, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, तक कौन से क्लब में रात को पार्टी करेंगे, सब प्लान कर लिया। कुल मिला के फुल ऑन वेजिटेरियन मस्ती। ये वेजिटेरियन मस्ती क्या है? अरे यार, जो मस्ती मर्यादा के दायरे में की जाए वो वेजिटेरियन मस्ती। वेज और नॉन वेज जोक्स की ग्रामर समझ ले बस। करो करो, एंजॉय करो। जब बॉस ने सवाल पूछा तो जवाब में क्या ये बियर दोगे? अरे छोड़ना यार, ऐसे माहौल में बॉस का नाम लेके मूड मत ऑफ किया गया। सीरियसली यार, वेकेशन पे जब कोई बॉस की बात करता है ना, ऐसा लगता है खीर खाते हुए मुंह के अंदर कंकड़ आ गया। ओहो, जय हो प्रभु जी, जय हो। क्या उपमा दी है आप? उपमा? अबे उपमा तो खाते हैं ना। अरे खाने वाला उपमा पोहा नहीं, ये हिंदी वाला उपमा बोल रहा है। उपमा मींस मिसाल, और इंग्लिश में बोले तो एग्जांपल। ठीक है, समझ गया मैं। और वैसे भी तूने बॉस की बात की है ना, तो दिमाग गर्म हो गया। चल यार, पूल में चल के चिल मारते हैं। हाँ यार, चलते हैं। वैसे भी अगर होटल आके 2 बार स्विमिंग पूल ना गए तो होटल आने का क्या फायदा फिर? चल जल्दी खत्म कर। चलो। नहीं नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अरे यार कमाल हो गई, ये कौन सा इतना गहरा पानी है कि तो डूब जाएगा। चलना यार। मैंने बोला ना यार, तुम लोग जाओ, मुझे सच में पानी से बहुत डर लगता है। पानी से डर लगता है, पागल है क्या? चल। मैंने बोला ना यार, तुम लोग जाओ, मैं यहीं से बैठकर तुम लोग को देखकर एंजॉय करूंगा। ठीक है, तुझे नहीं जाना, पूल के अंदर तो मत जाओ, कम से कम अपनी चेयर लेके तो वहां तक चल, बाहर से बैठ के देख लेना और हमारे फोन भी संभाल लेना। तुम मुझे अपने फोन यहीं दे दो, मैं यहीं ठीक। अबे क्या चोरियों की तरह भाव खा रहा है तू, हम कौन से तेरी इज्जत लूट रहे हैं? ये पूल के अंदर नहीं जाना भाई मेरे, तो मत जा, कम से कम उसके पास तो चल, बाहर से बैठ के मजे ले लेना। अच्छा, चल इतना भाव मत खा, चल फटाफट। अच्छा ठीक है चलो, तुम लोग जब जिद कर लेते हो ना तो किसी की भी नहीं सुनते। कम ऑन, चलना। हाँ एक काम कर, तू अपना मोबाइल मेरे को दे दे। क्यों, मोबाइल का क्या करोगे? अरे दे तो इसलिए कि वो भीगे नहीं। दे। भीगे, भीगा का क्यों? अभी पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज यार, मुझे पानी से बॉटल लगता है, मैं डूब जाऊंगा यार। हम बचा लेंगे तुझे।
तीन एक यार जी ये तो डूब रहा है। नहीं यार ये डूब रहा है कि मजाक कर रहा है? डूब रहा है यार ये तो। ओह माय गॉड तैरना ना आता हो तो किसी को भी पानी से डर लग सकता है। इस तरह किसी को मजाक में पानी में फेंकना बहुत ही गलत बात है। एक छोटे से मजाक से किसी की भी जान खतरे में जा सकती है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग थी। ऋषि को वाटर फोबिया यानी ड्राउनिंग फोबिया यानी डूब जाने का डर था। इस फोबिया में इंसान को हमेशा ये लगता है कि वो पानी में डूब जाएगा। आखिर क्यों था ऋषि को ये फोबिया? आइए जानते हैं। हे मोहित, मोहित अबे जल्दी बाहर आना यार, मेरे को और ऋषि को भी फ्रेश होना है। इतना टाइम लगता है? इतनी देर तो कोई बैठता है क्या? अरे इतना खाता ही क्यों, कितनी देर हॉट सीट पर ही बैठना पड़े। अबे हॉट सीट पर कौन बैठा था, आज तो नहाने का मजा आ गया। पता है अंदर एक बड़ा सा बाथटब है किंग साइज, मैं तो मस्त लेटा हुआ। जा तू भी जाके बाथटब का मजा ले। क्या बाथरूम में बाथटब है? नहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं नहाना। अरे भाई हद हो गई, कमाल की बातें कर रहे थे। स्विमिंग पूल से डर लगता है समझ में आता है, बाथटब से कौन डरता है? यार मुझे नहीं नहाना, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मुझे नहीं नहाना। वे बात सुन, बाथटब भी है सिर्फ, क्यों डर रहा है काम का? कम ऑन यार, यार देखो मुझे नहीं नहाना, मुझे हाथ मत लगाओ, पहले भी तुम दोनों मुझे स्विमिंग पूल में फेंक चुके, दूर रहो मुझसे। अरे यार उसके लिए सॉरी बोला ना मैंने, ये कोई स्विमिंग पूल थोड़े ना है, एक बाथरूम में छोटा सा बाथटब है, बाथटब में नहाने से कैसा डर? यार बोला ना मुझे नहीं नहाना, मैं मुझे नहीं नहाना। अच्छा बात सुन, तू हम दोनों को पकड़ कर खड़ा हो जाना और फिर आराम से लेट जाना, भाई इतना डरने की जरूरत नहीं है। यार डरने से तो अच्छा मरना ही। भाई आई थिंक ही नीड्स मेडिकल अटेंशन। ऋषि तुम्हें वाटर फोबिया है, जिसे मेडिकल टर्म में एक्वाफोबिया भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो मेरी इस बात को सुनकर रिलैक्स हो जाओ कि तकरीबन 99% बच्चों को पानी का डर होता है, और इसी तरह 90% जो नॉन स्विमर्स होते हैं उनको भी पानी का डर होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे बाहर आया जा सकता है। लेकिन किसी भी तरह के सोल्यूशन पर बात करने से पहले मैं प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये पानी का डर तुम्हें कब से लगने लगा? डॉक्टर साहब मैं 10 या 11 साल का था, एक बार मैं पूल में नहा रहा था। उन दिनों मुझे थोड़ी थोड़ी स्विमिंग भी आती थी क्योंकि मैं सीख रहा था। पूल के पास मेरी छोटी बहन जो कि 5 साल की थी वो बॉल से खेल रही थी। मैं पूल से निकला और शावर लेने के लिए चला गया। मेरे जाने के बाद उसकी बॉल पानी में चली गई और वो बॉल को पकड़ने के चक्कर में वो भी पानी में गिर गई। उस टाइम उसको बचाने के लिए वहां पर
कोई भी नहीं था। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कंट्रोल से दोस्त, अगर उस दिन मैंने उसको अकेला नहीं छोड़ा होता तो वो आज जिंदा होती। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कितनी दर्दनाक मौत भरी बेचारी पानी में डूबने की वजह से। बस उस दिन के बाद मैं जब भी पानी देखता हूं तो मुझे वही हादसा याद आ जाता। और उस हादसे के बाद से मुझे पानी से बहुत डर लगने लग गया। देखो ऋषि, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बहुत ट्रेजिक हुआ, लेकिन सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। गलती मेरी थी डॉक्टर, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। अगर उस टाइम मैं कुन्नू को अपने साथ शॉवर के लिए ले गया होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऋषि, इट वॉज एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद हमेशा सबको लगता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो वैसा ना होता। और ऋषि, जरा शांत मन से सोचो, क्या किसी को उम्मीद थी कि ऐसा हादसा, ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है? देखो ऋषि, हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, पर अपनी कुन्नू के लिए तुम्हें इस फोबिया से बाहर आना होगा। सो फॉरगिव योरसेल्फ एंड फाइट विद दिस फियर। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं ऋषि, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फाइट योर फियर। तू बस हिम्मत कर दोस्त, हम सब तेरा सपोर्ट करेंगे। ध्यान रखना कि उस दूसरी दुनिया से कुन्नू तुझे देख रही है। कुन्नू का भाई इतना कमजोर नहीं है। वेरी गुड, ओके ऋषि, नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। एक्वाफोबिया का सबसे बढ़िया इलाज ये होता है कि फेस योर फियर, डर का सामना करो, पानी का सामना करो, डरो पर हारो नहीं, फेस इट। ऋषि के वाटर फोबिया यानी कि एक्वाफोबिया के दो कारण, एक तो वो विजुअल जब उसकी बहन डूबी, दूसरा उसका गिल्ट, उसे लगता था कि उसी की ही लापरवाही से उसकी बहन डूबी। तो ना तो ये विजुअल उसके जहन से निकल पा रहा था, ना ही उसका गिल्ट, और इसी वजह से वो खुद को माफ भी नहीं कर पा रहा। क्या बात है दोस्त, वेल डन। प्राउड ऑफ यू ब्रो। यू बी फाइन। इट्स ओके, इट्स ओके।
क्या हो गया? क्या हुआ भाई? हम है ना यार, कम ऑन, घबरा मत, घबरा मत, बस बस पानी है, घबरा मत. कम ऑन ब्रो, यू कैन डू इट. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. देयर फॉर यू मैन, डोंट वरी. घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत. यस यस यस, कम ऑन, कम ऑन, चल. गुड ब्रो, यू गुड? वाह, क्या बात है, अमेजिंग. बी कॉन्फिडेंट. नाइस, चल 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 चल, जा भाई जा आराम से. हम हैं तेरे पीछे, बिल्कुल फिक्र मत करना, बिल्कुल मत घबराना. घबरा मत, घबरा मत, हम यहीं पे हैं. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. यस यस, बहुत बढ़िया. कैरी ऑन ब्रो, कैरी ऑन. वेरी नाइस, यू गुड? डन इट. हेलो, कौन? हाँ जी, ऋषि बोल रहा हूँ. अरे बताइए तो सर, कौन बोल रहे हैं यार? नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ कहीं. अरे सर बताइए तो सही. भाई कमाल करी तूने तो. शाबाश मेरे शेर, उठ जा बेटा. थैंक यू बेटा. ये क्या था, ये बच्ची डूब नहीं रही थी? अरे भाई ये लड़की तो बहुत अच्छी स्विमर है. तुमने आज सिर्फ इस लड़की को नहीं बचाया, बल्कि अपनी कुन्नू को बचाया है. दोस्त, तुमने आज सिर्फ अपनी कुन्नू को ही नहीं बचाया, अपने गिल्ड को भी हमेशा के लिए खत्म किया है, और साथ ही साथ अपने फोबिया को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. अरे हाँ यार, ये बच्ची को बचाने के लिए मैं पानी में कूद गया और स्विम भी किया. यार मुझे तो पता ही नहीं चला. ये तो हम जानते थे कि ऐसा हो सकता है, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिलकर हम दोनों ने ये प्लान बनाया था. थैंक यू दोस्तों, आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, और अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ. क्या? क्या? बताता हूँ, बताता हूँ. बच्ची आप जरा इधर आओ. आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ. क्या? धक्का.
ही जीवन है, लेकिन अगर इसी जल में जीवन का अंत हो जाए तो डर लगना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको किसी ट्रेजेडी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर ये जरूर कह रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस ट्रेजेडी की याद को एक हैप्पी मेमोरी से रिप्लेस कर। डर की फीलिंग को खुशी का एहसास ही हटा सकता है, इससे खुश रहिए और खुश रखिए। और रही बात फोबिया की, तो लोगों को उनके फोबिया से निकालना ही प्राइड फाइट का असली मकसद है। इस शो में हम हर तरीके के डर को और फोबिया को दिखाते हैं और उससे निकलने का रास्ता भी आपको बताते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। हां बड़ी भी, सलाम अलैकुम। हमारा नाम सलीम कुरैशी है। अभी दो दिन हुए मोहल्ले में आए हुए। सुना कि आप सिलाई करती हैं, तो हमने वो मैं कोई सिलाई भी नहीं करती। तुम जाओ यहां से। अपने दिल में इस तरह की नफरत मत पाले। और तुम लोग जो करो वो मुनासिब है। किसी की दुकान जला दो, किसी की जान ले लो, वो सब मुनासिब है। क्यों छुआ मेरी सब्जी को? अरे बड़ी भी, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं मर भी रही हूँ तो भी तुम मत आना मेरी मदद करने के लिए। जैसी आपकी मर्जी, मगर बेहद अफसोस है मुझे आपकी सोच पर। हमने जो कुछ किया वो इंसानियत की बड़ी भी, जो हर मजहब का पहला सबक है। और रही जान बचाने की, वो तो अल्लाह की मर्जी। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत है।